कई शक्ति कई चमत्कार के बारे में हम सुनते हैं। हमारे ऋषि मुनि संतों के पास भी बहुत ऐसी शक्ति थी जो हमें सुनने को मिलता है, तो हमें भी इच्छा आ जाता है कि ये शक्ति क्या है, चमत्कार क्या है, सच में है या नहीं है, इसको जानने को मन होता है। तो हम इसको जानने के लिए या इसको पाने के लिए हम आध्यात्मिक की रास्ता चुन लेते हैं, तो हम कुछ अभ्यास करने लग जाते हैं ये सब चीज़ पाने के लिए। लेकिन हम ये सब चीज़ पाने के लिए जो अभ्यास करते हैं, मन में इच्छा रखते हैं, तो हम कुछ नहीं पा सकेंगे, क्योंकि इच्छा से हमारा मन अशांत होता है। जब तक हमारे मन में इच्छा हो, खुलदुली हो, ये क्या है नहीं है ये सब चीज़ जानने का एक अशांत मन होता है, तब तक हम कितना भी प्रयास करें कुछ नहीं पा सकेंगे। क्योंकि ये सब क्रियाएं जो भी हम करते हैं, जो भी साधन हम अपनाते हैं, वो सब इसलिए होता है कि हमारा मन शांत हो जाए। शांत होने के लिए ही ये सब चीज़ हम करते हैं। जब तक हम शांत नहीं होंगे, तब तक सभी प्रयास असफल ही होंगे। इसलिए इच्छा होते हुए भी, बहुत कुछ जानने का प्रयास करते हुए भी, इस सब चीज को भी हमें एक जगह रख के हमको शांत होना पड़ेगा। जब तक हम पूर्ण रूप से शांत नहीं हो पाते हैं, तब तक हम कुछ नहीं समझ भी पाएंगे, कुछ नहीं जान पाएंगे। इसलिए आप आध्यात्मिक की ओर बढ़ रहे हैं, तो इन सब इच्छा है, प्रश्न है, बहुत चीज, तो इन सब को भी एक जगह रख के आप शांत हो जाइए। शांत होने का प्रयास कीजिए। जब आप शांत हो जाएंगे तो सब प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। ध्यान के माध्यम से हम जो कुछ भी करते हैं, कुछ अशुद्ध भोजन का त्याग कर देते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं, अल्प आहार लेते हैं, एक जगह बैठ के एक जगह ध्यान लगाते हैं, वो सब कुछ हम इसलिए करते हैं कि हमारा मन मस्तिष्क शांत हो जाए। जब हमारा मन शांत हो जाता है, तब हमें सब कुछ ज्ञान हो जाता है। सबसे कठिन यही है कि हमारा मन को शांत करना। हम अपने मन को शांत नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ बातें हमारे मन में रहता ही है, हमारा मन को अशांत करता ही रहता है, या कुछ ना कुछ बातें इधर उधर का सब कुछ चलता ही रहता है। इसलिए सब साधन प्रक्रिया, सब कुछ, जो भी कठिनाई हम अभ्यास करते हैं, वो सब इसी के लिए है कि हमारा मन शांत हो जाए। शांत होने के बाद ज्ञान तो हमारे अंदर ही होता है, हम में ही होता है, वो सब दिखने लग जाता है। तो सब प्रयास इतने के ही लिए है। तो प्रयास नहीं करना ये भी नहीं, प्रयास करना भी पड़ेगा, लेकिन उसको भी एक जगह रख के हमको शांत होना पड़ेगा, तभी हम सब कुछ जान पाएंगे।